बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, जिसको परसिस्टेंस डक्टस आर्टीरियोसिस भी कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट से, यानी कि दो एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम होती है उसमें ओपनिंग रह जाती है, वो क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। आप लोग को ये पता होगा लेफ़्ट साइड पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और ये जो ओपनिंग रह जाती है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में, उसको फोरामेन ओवेल कहा जाता है। जब आप लोग आगे MBBS में जाएंगे तो ये चीज़ पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि दो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होती है उसमें ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये होगा कि लेफ़्ट साइड से ब्लड जो है राइट साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, जो राइट साइड है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसकी अपेयरेंस ब्लूइश होती है। और लेफ़्ट साइड पर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो रेड कलर का होता है, जैसे कि मैंने मार्कर से लिखा हुआ भी है। इस तरह से ब्लू से लिखा है मैंने राइट साइड पर, रेड से लिखा है मैंने लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, इस डिज़ीज़ में हार्ट फेल का ख़तरा ज़्यादा होता है, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में हार्ट फेल का ख़तरा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट के चार चैम्बर होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है। अच्छा, अब इसकी मैं एक ओवरऑल समरी दे देती हूँ। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो मूव करेगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ मूव करता है। अच्छा, जब यहाँ से ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल में जो होगा ब्लड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वैसे होगा इसमें भी साइज़ बढ़ने लगेगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है लंग्स के पास, तो लंग्स के पास भी ज़्यादा कंसनट्रेशन में ब्लड जाएगा, तो जिसकी वजह से लंग फेल का भी ख़तरा होता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं वो सबसे ज़्यादा ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले होते हैं। इसके मज़ीद सिम्टम मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप लोग देख लें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की तरफ। इस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। लेकिन जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बॉडी में, तो बेबी में ये प्रोसेस नहीं होता। उसमें ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान एक डक्ट बन जाती है, जिसको डक्टस आर्टीरियोसिस कहा जाता है। अब इसमें यह होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डक्टस आर्टीरियोसिस से गुजरता हुआ एओर्टा में चला जाता है, फिर एओर्टा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा के पास जाता है, फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड पे, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। और बेबी के इस दुनिया के आने के बाद ये जो डक्ट होती है ख़त्म हो जाती है, और अगर ये डक्ट बेबी के इस दुनिया में आने के बाद भी रह जाए, यानी कि परसिस्ट कर जाए, तो इस वजह से फिर इसका नाम होता है परसिस्टेंट डक्टस आर्टीरियोसिस।